दादरा नगर हवेली वकफ बोर्ड द्वारा तेजस्वी विद्यार्थियों ने प्रमाणपत्र और ट्रॉफी आपी सम्मानित करवामां आव्या हता। वकफ बोर्ड द्वारा विद्यार्थियों ने अभ्यास में प्रोत्साहन मिली रहे ते माटे तेमने सम्मानित करवानो कार्यक्रम योजवामां आव्यो हतो। आ कार्यक्रम में वकफ बोर्ड होद्देदारों द्वारा तेजस्वी विद्यार्थियों ने ट्रॉफी और प्रमाणपत्र आपी शिक्षण में आगळ वधे तेवी शुभेच्छा पाठवी हती। आज की ये जो पहल है वो बहुत ही इंस्पायरिंग है और बहुत ही अच्छी है। हमने हमारे मेंबर के साथ में बैठ के सोचा कि हमें इस प्रकार के कार्यक्रम करने चाहिए अल्पसंख्यक समाजों के लिए, लेकिन साथ में ऐसे भी जो लोग हैं जो नॉन मुस्लिम्स हैं लेकिन उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम किया है, तो इन्हें भी हम अवार्ड दें और फेलिसिटेशन करें। तो इस प्रकार आज हमने वक्फ बोर्ड के बैनर तले और हमारे DNH मुस्लिम एसोसिएशन के साथ में मिलकर हमने ये कार्यक्रम किया जो सफल होता दिखाई दे रहा है। पेरेंट्स को किस तरह से जागरूक करना चाहेंगे कि वे भी अपने बच्चे को ध्यान दें और आगे वाले चलने में? बिल्कुल, बच्चे को आगे बढ़ाने में पेरेंट्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है और बच्चे जो आज उन्होंने जो उनका जो बेहतरीन परफॉर्मेंस हुआ है उसके पीछे कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स का भी हाथ है। तो मैं पेरेंट्स को कहना चाहता हूं कि आप अपने बच्चे को, जैसे हमारे गेस्ट ने भी बोला है कि उनका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है जहां बच्चे को जाना है वहीं पे जाने दें और उसी में उनके पीछे मेहनत करें, उन्हें ज़बरदस्ती कुछ ना करें। तो आज का ये कार्यक्रम में जो पेरेंट्स हैं उन्हें यही सलाह है कि आप अपने बच्चे के पीछे मेहनत करो और उन्हें सही दिशा दिखाओ। अरे भाई, ये कार्यक्रम पहली बार प्रसारण के लिए बच्चों को रखा गया है? हाँ, ये इस प्रकार का अल्पसंख्यक होता होगा, मुझे इतना उसका कोई आइडियाज़ नहीं है, लेकिन हमारे अल्पसंख्यक समाज के लिए तो ये शायद पहला ही कार्यक्रम है। अरे भाई, आने वाले दिनों में वक्फ बोर्ड द्वारा बताया जा रहा हेल्थ का भी कुछ इशू के ऊपर काम करेंगे? दादरा नगर हवेली वक्फ बोर्ड और दादरा नगर हवेली मुस्लिम एसोसिएशन मिलकर बहुत जल्द हेल्थ के क्षेत्र में हम एक कार्यक्रम करने वाले हैं जिसमें हम फुल चेकअप होगा उनका और फिर जिनको जो दवाई की ज़रूरत है उन्हें पूरी हम 6 महीने या साल का पूरा स्टॉक देंगे ताकि जो गरीब लोग हैं जो दवाई खरीद नहीं पाते वो उन्हें दवाई इस प्रकार उन्हें बेनिफिट मिले दवाई की।